किसान कल्याण सम्मेलन में विनोद मौर्य की अगुवाई में हजारों समर्थकों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वैसे तो विनोद मौर्य के कार्यालय से ये काफिला जिस तरीके से अपने जोश और जुनून के साथ चला तो वाकई में देखने योग्य था। विनोद मौर्य ने जिस प्रकार से कार्यालय में उपस्थित सभी समर्थकों को संबोधित करते हुए निर्देशित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसानों के कल्याण की हित की बात उन तक पहुँचाना और किसानों के हित को आगे संघर्षरत करते रहना, इन सब बातों पर प्रकाश डालते हुए विनोद मौर्य ने ये भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में किसानों के हित की कोई सरकार है तो वो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार। इसी के साथ साथ ये काफिला इस संबोधन के साथ साथ बढ़ते हुए पहुँचा PGI के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, जहाँ रुकते हुए नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। विनोद मौर्य ने माल्यार्पण कर उनके समर्थकों ने बड़ी ही जोश और जुनून के साथ उनका स्वागत किया और उस स्वागत के काफिलों को आगे बढ़ाते हुए काले बीर मंदिर, जहां किसान कल्याण सम्मेलन आयोजित हुआ, वहां जाकर पहुंचा। इस अवसर पर मुकेश शर्मा ने किसान कल्याण सम्मेलन के विषय पर भी प्रकाश डालते हुए हमसे बातचीत भी की। 3 वर्षों में जिस प्रकार से किसानों के लिए बड़ा काम करे कदम उठाए गए, चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे किसानों को लोगों को वंचित को बैंकों तक पहुँचाने की बात हो जनधन योजना के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में बात कही थी कि सरकार आते ही पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा और लघु और सीमांत किसानों का ऋण माफी 1 लाख रुपये अपना अपने बात को पूर्ण करते हुए पहली कैबिनेट में आदरणीय इन सब विषयों को लेकर आज किसान कल्याण सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच में अपनी बातें और किसानों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाए हैं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो सब किसानों के बीच आज के कार्यक्रम में कहाँ से किसान कल्याण हो पाया, क्योंकि आप किसान कल्याण बातें रही क्या बातों से ही सरकार चलती? किसान कल्याण हो चुका है उसके बारे में आप पूरा बात भी सुना। किसानों के जो कल्याण हुआ उन विषयों को रखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। आज ये कोई सरकारी कार्यक्रम तो था नहीं, हमारे नेतागण हमारी केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जो भी किसानों के लिए किया है वह किसानों के बीच में विषय रखने के लिए हम बात ये है कि विकास की अगर हम बात करें कि नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी विकास पर, अगर हम मोहनलालगंज जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं पर बस अड्डा है आपका और स्वच्छ भारत अभियान बहुत जल्दी 2 अक्टूबर को आने वाला जो पूरे भारत में मनेगा, आप देखिए मोहनलालगंज का बस अड्डा आप ही की सरकार है, अगर इस तरह की व्यवस्था है तो कहाँ से स्वच्छ भारत और कहाँ से विकास? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब 2014 में सरकार आई आदरणीय मोदी जी ने लाल किले से इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि हमारे देश को लेकर जो छवि बनी हुई है पूरे विदेश में, विदेशी आते हैं कितना हमारा देश गंदा है, उस दिशा में उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए लोगों को जनमानस से आग्रह किया था। यह काम कोई खाली कोई सरकार नहीं कर सकती, आम लोगों से आग्रह किया था और पिछले 3 वर्षों में इतना लोगों की मानसिकता में बदलाव हुआ। मैं इस को भी साफ होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इसको अभियान के रूप में लेकर लगातार अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी 17 तारीख को माननीय मोदी जी का जन्मदिन है, राज्य स्तर पर ब्लॉक स्तर पर स्वच्छता अभियान के कैंप चलेंगे और लोगों से आग्रह किया जा रहा है, जनमानस से आग्रह किया जा रहा है स्वच्छता करें और साथ में गंदगी न फैलाएं, इसके लिए अवेयरनेस का अभियान चल रहा है और आने वाले वर्षों में इसका एक बड़ा बदलाव दिखेगा। क्या आपको लगता नहीं स्थानीय सांसद जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? ये विषय खाली सांसद जी विधायक जी का नहीं, मैंने कहा ना ये पूरे समाज की हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक की। जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रही है, हमारे सांसद हमारे विधायक हमारे सभी नेता पूरी तरह से जन समर्थित होकर